ओके गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं ये सॉन्ग टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस साउंड पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट प्लस स्लो मोशन वीडियो किस प्रकार बना सकते हैं जो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको चार वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो देख सकते हैं मैंने जो शूट किया हूँ। वीडियो मैंने किया हुआ अलग अलग पार्ट में शूट कर रखा हूँ। वीडियो जब भी आप शूट करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में पेड़ पौधा ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक और काइनमास्टर एप्लीकेशन का भी लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है, वीडियो को सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी ऑडियो है वो आपका बाहर आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं 3 से 4 अलग अलग पार्ट में उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसी वीडियो में 4 से 5 पार्ट में वीडियो को शूट कर रखा हूँ, 2 4 सेकेंड 5 सेकेंड के आसपास। तो मैं फर्स्ट वाले वीडियो आप देख सकते हैं हमारा कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको 1 से 2 बार वीडियो को प्ले कर देख लेना है हमारा वीडियो कहाँ से। तो वीडियो को आपको 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है वीडियो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, स्पीड कंट्रोल पर आना है और यहाँ पर आपको वीडियो को स्लो मो कर देना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 0.5 के आसपास रख देना है, ये वीडियो आपका स्लो मो में हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, जितने भी वीडियो आपने यहाँ पे लाए हैं इस सारे वीडियो का आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है और यहाँ पे आपको 4 से 5 सेकेंड तक आपका वीडियो चाहिए। तो इसके बाद आप सबसे पहले इसमें कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.1 तक का पार्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद स्टार्टिंग अपने वीडियो को पास में आना है और यहाँ पे आपको 4 सेकेंड के आसपास वीडियो को यहाँ पे स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे और इस वीडियो को आपको कुछ इस तरह से उठाकर रखना है और लास्ट पॉइंट पे आपको लेकर आ जाना है। ऑडियो पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट तक आपको लेकर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो जो चाहिए 3 सेकेंड का चाहिए, 3.1 या 3.2। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। अब आपका फर्स्ट वाले वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लड़की का वीडियो जो है खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर खत्म होते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट के वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट था, राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा हमने रिमूव कर दिए हैं। इसके बाद क्या करना है, आपका यहाँ पर वीडियो लेकर आना है। तो हमारा वीडियो यहाँ पर देखना है आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और यहाँ पर अभी आपको 2 से 3 सेकेंड तक का पार्ट चाहिए। इसके बाद जो भी पार्ट चाहिए आपको स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड पार्ट चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा थर्ड पार्ट का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट का भी वीडियो हमारा यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा, तो मैंने यहाँ पे थर्ड पार्ट का वीडियो लेकर आ चुका हूँ। फोर्थ पार्ट का वीडियो चाहिए तो मैं फोर्थ पार्ट का भी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्पीड कंट्रोल कर देना है। तो यहाँ पे स्लो मोशन वीडियो हमारा हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही स्लो मोशन वीडियो को कर चुका था। इसके बाद आपको क्या करना, इसमें से भी आपको 2 से 3 सेकेंड का पार्ट चाहिए, तो इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट था एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया हूँ। इसके बाद क्या करना है, मीडिया पर आना है और इसके बाद हमें थर्ड पार्ट का वीडियो लेकर आना है, फोर्थ पार्ट का वीडियो लेकर आना है। तो मैंने जो फोर्थ पार्ट का वीडियो जो शूट कर रखा है वो वीडियो मैं यहाँ पे लेकर आ जाना है। तो हमारा फोर्थ पार्ट का वीडियो जो था यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा वीडियो क्या करना है, फर्स्ट में आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं ऐड करना है और यहाँ पर आपको सिकेंड में करना है। तो सिकेंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक्सीलेशन का ऑप्शन आ जाता है, एक्सीलेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्पीड इन या फिर स्पीड आउट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट में आपको यहाँ स्पीड इन सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेकेंड में स्पीड आउट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्पीड आउट सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फिर से हम एक्सीलेशन में आते हैं, यहाँ पर हम स्पीड इन या फिर स्पीड आउट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने स्पीड डाउन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा ऑडियो है, इसे हमें ट्रिम टूल राइट कर देना है।
तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो वीडियो में आपको ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड को आपको सारा का म्यूट कर देना है। इसके बाद क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। तो मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें साउंड को पहले म्यूट कर देता हूँ। तो जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, हमारा वीडियो कुछ इस तरह से बन चुका है। फाइनली हमारा वीडियो यहाँ पर तैयार हो भी चुका है। अब देख सकते हैं लड़की का वीडियो खत्म हुआ, हमारा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट भी ऐड कर चुका हूँ। इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा वीडियो फाइनली यहाँ पे तैयार हो भी चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे दूँगा, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।